उसवाल कच्ची घनी सरसों तेल जो बना है राजस्थान की सौंधी मिट्टी में उपजी शुद्ध सरसों से। स्वाद और सेहत की जोड़ी कमाल उसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक टिकट के सदस्यों ने मंडल अध्यक्षा गुड्डी रावत के मार्गदर्शन में देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिला मुख्यालय को सौंपते हुए किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी मांग रखी। मंडल अध्यक्ष गुड्डी रावत ने बताया कि किसानों के विरुद्ध संसद में पारित किसान विरोधी बिल वापस लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने पहले से बकाया गन्ने के भुगतान की भी बात कही। जिला उपाध्यक्ष राज किशोर वर्मा ने कहा कि खाद डीजल बीज की दरों के बढ़ते दामों ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। अतः ऐसे में सरकार को चाहिए कि किसानों को राहत मिल सके, जिससे खेती में लागत कम होने से किसानों को अतिरिक्त धन न लगने से उनकी आर्थिक स्थिति में अतिरिक्त असर नहीं पड़ेगा। जिला कार्यालय प्रभारी राजपूत सिंह सेंगर ने पंजाब सरकार द्वारा किसानों को मुफ्त बिजली पानी दिए जाने की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी दिए जाने की बात कही। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष किरण सिंह चौहान ने कहा कि किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदेश के सभी किसानों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान समय में मिलने वाली धनराशि को बेहद कम बताते हुए 12,000 रूपए प्रति माह किए जाने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक टिकट के सदस्य मौजूद रहे। महासचिव जी, क्या नाम है आपका? अमरनेव सिंह। महासचिव जी, ये धरना प्रदर्शन किन मांगों को लेकर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया? खेती जो है हमारी निजी हाथों में जा रही है और ये बिल इनका बिल्कुल गलत है, ये वापस लिया जाए और हम लोगों के साथ बहुत बड़ा छलावा है। इतना छलावा नहीं है, बेहद छलावा है किसानों के साथ। और स्वामीनाथन आयोग, मोदी ने कहा था लगाने के लिए, हम आयोग की रिपोर्ट लगा देंगे, आज तक नहीं लागू की। ये बहुत बड़ा झूठ बोलता प्रधानमंत्री। आपने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या कार्रवाई करने के क्या उसे उन्होंने कहा? ये ज्ञापन आपका जो है वो हम सीधे भेज देंगे, ये कहा क्या? अरे वादा तो किया, कर्ज माफ किसी का हुआ, किसी का कुछ नहीं किया। योगी ने सब कुछ किया, योगी भी उसी का है चक्का बक्का। अरे कौनो कौनो करिया है तो कौनो बरजतिया है तो कौनो मतलब नागिन है, सब ऐसे बैठे हैं, सांप सांप बैठे हैं शासन में। आवारा पशु जो है वो बिल्कुल कोई गौशाला नहीं कंप्लीट है, कोई गौशाला जब तो चंद गौशाले हैं, अगर 100 गौशाले के नाम पर केवल बजट जारी हो रहा। अरे केवल पैसा लूट रहे हैं, अपनी वोट की राजनीति बना रहा कि प्रधानों द्वारा वोट हमको मिलेंगे।